my daughter, it has changed the meaning of my life. And having her made me realize कि जिंदगी की असल नेमतें क्या हैं। My name is Ali Allawala. I am the co-founder and CEO at the Karachi Down Syndrome Program. Karachi Down Syndrome Program, or KDSP, is a non-profit organization that promotes the value and inclusion of people with Down syndrome living in Karachi and now even in Pakistan. अच्छा, सबसे पहली चीज़ जब मैं लोगों को बताता हूँ ना कि KDSP क्या करता है, तो the first thing I like to tell them is a little bit about what Down syndrome is. क्योंकि जब हम डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं ना, तो ज़्यादातर लोगों को मैंने ये देखा है कि एक अंडरस्टैंडिंग हमारी होती है ऑफ स्पेशल नीड्स या डिसेबिलिटी, तो हम उस डेफिनेशन में हर तरह के बच्चे जिनकी डिफरेंट नीड्स होती हैं उनको डाल देते हैं. बट इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डाउन सिंड्रोम है क्या, किस चीज़ को कहते हैं. जब किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम होता है ना, ये डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होता है, तो बेसिकली हर सेल के अंदर जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना, यानी दो कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, जो 21st क्रोमोसोम होता है उसकी दो के बजाय तीन कॉपीज़ होती हैं, ठीक है. और इसीलिए डाउन सिंड्रोम का एक और लफ्ज़ है ट्राइसोमी 21, कि जब हम कहते हैं किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, सो वी शुडन्ट बी लेबलिंग अ चाइल्ड, वी शुडन्ट बी अटैचिंग अ स्टिग्मा और टैबू विद अ चाइल्ड. एसेंशियली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस, कि उस बच्चे को इसलिए आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज देन वी कैन अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स ऑफ दैट चाइल्ड, एंड हम इस तरह उस बच्चे के साथ काम कर सकते हैं जो उसकी नीड्स हैं, ताकि उसकी ऑप्टिमम परवरिश हो सके. बिकॉज डाउन सिंड्रोम के बारे में अवेयरनेस कम है, डाउन सिंड्रोम के हवाले से स्पेसिफिक ट्रेनिंग कम है, सो डॉक्टर्स की भी जो नो हाउ है ना, वो बड़ी लिमिटेड है. और जो दुनिया भर में कटिंग एज रिसर्च हो रही है अबाउट डाउन सिंड्रोम, उसकी भी उनकी जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो लिमिटेड है. फर्स्ट टाइम पेरेंट्स, यू नो, यू आर यंग, ऑल काइंड ऑफ ज़िंदगी में जो है वो इंसान ख्वाहिशात लेके आता है, फैमिली बनती है, आपकी औलाद होगी, यू नो, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. वो फैक्ट भी मुझे बहुत एहसास दिलाता था कि यार, अगर मैं इतनी तालीम ली हुई है, बाहर मुल्कों में पढ़ा हुआ हूँ, इतना एक्सपोज्ड हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि ये कंडीशन है क्या, जिसमें एवरी इन द वर्ल्ड एवरी 1 out of 700 चिल्ड्रन आर बॉर्न विद डाउन सिंड्रोम, विच मीन्स दैट इन पाकिस्तान देर आर ओवर 300,000 इंडिविजुअल्स लिविंग विद डाउन सिंड्रोम. दैट्स अ बिग नंबर. अब हमने सोचा कि हमारी बच्ची की परवरिश कैसे होगी, बिकॉज हमें कोई भी एक इदारा ऐसा नहीं मिला जो हमारी रहनुमाई कर सके, जो हमें बता सके कि हमारे बच्चे की ज़रूरियात आज क्या हैं, कल क्या होंगी. तो ये जब हमारे साथ सफ़र हुआ, फिर हम, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे वसाइल से नवाजा था, तो हम पूरी दुनिया ट्रैवल की अपनी बेटी की खातिर. हमने दुनिया भर में देखी कि डाउन सिंड्रोम के साथ जो लोग ज़िंदगी बसर करते हैं, उनकी ज़िंदगी में कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं. और जितना हमने देखा, हमारी आंखें खुलती गई. जिन अफराद को डाउन सिंड्रोम है, कोई ग्रोसरी स्टोर में खड़ा हुआ काम कर रहा है, कोई किसी स्कूल में काम कर रहा है, कोई किसी हॉस्पिटल में एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर रहा है. सो आई वॉज बैफल्ड कि कैसे हो सकता है कि हमारे अपने मुल्क में हमें ये बताया जा रहा है कि एक पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिए, और हमें बताया जा रहा है कि आपके मुल्क में इन बच्चों के लिए कुछ नहीं है, और हम बाहर मुल्क जा रहे हैं तो हमें बताया जा रहा है कि तो अगर आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है तो हाउ इज़ दैट अ प्रॉब्लम. बिकॉज डाउन सिंड्रोम किसी बीमारी का नाम थोड़ी है. डाउन सिंड्रोम तो एक जेनेटिक कंडीशन है जिसके साथ अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है. लेकिन हमारे यहाँ कुछ और पर्सपेक्टिव था. तो मुझे और मेरी वाइफ को ये एहसास हुआ कि हमें ज़रूर पाकिस्तान में एक इदारा ऐसा सेटअप करना चाहिए. तो हमने फिर ये फैसला किया 2017 में कि पाकिस्तान का पहला डाउन सिंड्रोम हेल्थ केयर क्लिनिक सेटअप किया. और इस क्लिनिक का मकसद ये था कि अंडर वन विंडो पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए एक कोऑर्डिनेटेड टीम के थ्रू उनकी हेल्थ केयर स्क्रीनिंग हो सके, और जहाँ जहाँ हेल्थ केयर के हवाले से कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो वो टाइमली हो सके, ताकि उन बच्चों की डेवलपमेंट सही रह सके. कि जब शुरू में हमने इदारा शुरू किया और हमने कहा कि जी हम एक अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, तो लेट्स गेट सम फैमिलीज़ टुगेदर, लेट्स स्टार्ट विद सम काइंड ऑफ अ कैंपेन, जी कुछ बिलबोर्ड लगाएंगे, कुछ पब्लिकेशंस, कुछ टीवी पे इश्तहार, इस तरह के काम करते हैं. तो उसके लिए हमें एक फ़ोटोशूट करना था इन बच्चों के साथ, इनकी फैमिलीज़ के साथ, पूरे पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान तो चले हमने नहीं उस वक्त खोजा, लेकिन हमने बहुत खोजा, तो कराची में 7 फैमिलीज़ अग्री हुई कि जी हम अपने बच्चों को दुनिया के सामने बताने के लिए तैयार हैं कि उनको डाउन सिंड्रोम है, वरना वो तैयार ही नहीं थे.
2014 से KDSP सेटअप हुआ है और ना हमसे पहले कोई इदारा ऐसा मौजूद था जो कि इन बच्चों के लिए, इन अफराद के लिए इतनी डाइवर्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो अंडर वन रूफ, और ना जब से हम सेटअप हुए कोई इदारा सेटअप हुआ है। देर आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे बाद सेटअप ज़रूर हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, डिफरेंट सपोर्ट ग्रुप से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एट अ स्मॉल स्केल। सो आई लाइक टू थैंक HPL, PSL एंड Invirix फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट KDSP एंड द वर्क दैट वी डू। यू नो, अमूमन सोसाइटी में इस तरह के काम के हवाले से ओपन प्लेटफॉर्म्स या एवेन्यूज़ नहीं मिलते हैं टू टॉक अबाउट द काइंड ऑफ वर्क दैट वी डू, बट आई एम ग्रेटफुल दैट वी हैव हैड दिस अपॉर्चुनिटी एंड अगेन थैंकफुल टू HPL, PSL एंड Invirix फॉर हाईलाइटिंग द वर्क दैट वी डू।